देखिए दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही खास है जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपकी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्सी कोचिंग क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम वही प्रश्न बताते हैं जो आपकी एग्जाम से संबंधित है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 है, ठीक है। और इससे पहले हम पार्ट वाइज करा रहे हैं रीजनिंग, ठीक है, और मैथ भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हें में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4, 12, 6, 18, 9 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 4 और 12, 4 में हम क्या करें कि यहाँ पर 12 आ जाए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम दो स्टेप अपनाएंगे। कौन कौन सा, देखिए, पहला तो हम गुणे करेंगे और दूसरा भाग करेंगे, ठीक है। इसमें हम दो स्टेप अपनाएंगे। ऐसा प्रश्न आपको कोई जल्दी बताता नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना कर देंगे। किससे, 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। क्या कि हमने 4 में 3 से गुना किया तो 12 हो गया। अब 12 में हम क्या करेंगे, 12 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6। 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। पहले हमने 3 से गुणा किया, फिर 2 से भाग दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर 3 से गुणा करेंगे। देखिए 6 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले गुणा किए हैं, उसके बाद 2 से भाग दिए हैं, ठीक है, फिर गुणा किए हैं। अब क्या करेंगे, अब फिर 2 से भाग देंगे। किससे, 2 से, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले गुना किए हैं, फिर भाग किए हैं, फिर गुना किए हैं, भाग किए हैं, यानी कि पहले गुना किए हैं तो आप भी गुणा करेंगे, ठीक है। 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 3 के 27, कितना आ जाएगा, 27। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, पहले 4 में 3 से गुना किया, ठीक है, हमने इसमें 2 स्टेप फॉलो किया। पहले 4 में 3 से गुना किया तो 12 आ गया, ठीक है, और 12 में हमने 2 से भाग दिया तो 6 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, 6 में हमने 3 से गुना किया तो 18 आ गया, ठीक है। फिर हमने 18 में 2 से भाग दिया तो 9 आ गया, और उसके बाद फिर 9 में हमने 3 से गुना किया तो 21 आ गया। यानी कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 किस में है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि इनमें के सभी प्रश्न, 5ों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया, 7, 6, 10, 27, 104 और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे श्रृंखलाएँ चलेंगी। देखिए 7 और 6, 7 में हम क्या करें कि 6 आ जाए। देखिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे। देखिए 7 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 ही होगा ना, ठीक है। उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 7 में 1 से गुना किया और -1 कर दिया तो हमारी संख्या 6 प्राप्त हो गई। उसी तरह अब क्या करेंगे, देखिए हम 6 में 2 से गुना कर देंगे, पहले में 1 से फिर दूसरे में 2 से, जिस संख्या में जिससे गुना करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। देखिए इसमें 2 से गुना किए तो 2 ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 दुना के 12 होता है, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। देखिए यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब वही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे, देखिए 10 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी 3 से गुना करेंगे, क्यों कि पहले में 1 से फिर 2 से फिर 3 से, फिर देखिए इसमें से 3 से गुना करेंगे तो 3 ही माइनस करेंगे, ठीक है। हमने आपको बताया था ना, जिससे गुना करेंगे उसी से उसी संख्या को माइनस भी करेंगे। देखिए 10 में से 3 में गुना करेंगे तो 30 आएगा, और -3 कर देंगे तो कितना जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, 27 में हम किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। किससे गुना करेंगे, 4 से। अगर 27 में हम 4 से गुना करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी, देखिए दोस्तों कितनी आएगी आप भी बता सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगी, वो आएगी 108, कितना आएगी, 108, और 4 माइनस कर देंगे,
ठीक है, और 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104। देखिए यहाँ पर आ गया 104, ठीक है। अब 104 में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, किससे 5 से, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, और 5 से गुणा करेंगे और 5 ही माइनस करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 520, कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, और माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 515, कितना आ जाएगा 515। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 515 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 515। देखिए हमने क्या किया, पहले 7 में 1 से गुना किया तो 7 ही आएगा, उसके बाद 1 माइनस कर दिया तो 6 आ गया, ठीक है। 6 में 2 से गुना किया तो 12 आया, 12 में से 2 माइनस कर दिया तो 10 आ गया, ठीक है। 10 में हमने 3 से गुना किया, ठीक है, उसके बाद 3 माइनस कर दिया तो 27 आ गया, उसके बाद 27 में हमने 4 से गुना किया तो कितना आएगा 108 आया, और उसमें से 4 माइनस कर दिए तो 104 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने 104 में 5 से गुणा किया, ठीक है, और 5 माइनस कर दिया तो 515 आ गया, ठीक है। देखिए 515 ऑप्शन में किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया है ना कि ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है, 2, 5, 12, 27, 58 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें हम क्या करें कि हमारी संख्याएँ सभी समान आए, ठीक है। देखिए जैसे 2 में हम क्या करें कि 5 आ जाए, देखिए 2 में हम क्या कर दें, 2 से गुना कर देते हैं और 1 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 5 आ जाएगी। क्या किया, 2 में 2 से गुना किए और 1 जोड़ दिए तो हमारी संख्या 5 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 5 में हम 2 से गुना करते हैं, किससे, 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। देखिए पहले में हमने 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, और 2 से सब में गुणा करते चले जाएंगे और एक एक संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, और जो संख्या बढ़ेगी वही संख्या को हम जोड़ेंगे। देखिए अब 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दुना के 24 होगा, 24 में अगर प्लस हम 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 27, हमने क्या किया 12 में 2 से गुना किया तो 24 आया, 24 में प्लस 3 कर दिए तो 27 आ गया, ठीक है। अब 27 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54, और हम उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 58। देखिए हमारा 58 आ गया, 27 में 2 से गुना किया और 4 जोड़ दिया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जोड़ रहे हैं, पहले 1, 2, 3 फिर 4, अब क्या करेंगे ये 58 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 116, कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा, और उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121। देखिए 121 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 2 में 2 से गुणा किया तो 4 आया, और 1 जोड़ दिया तो 5 गया, फिर 5 में 2 से गुणा किया तो 10 आया, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 गया, 12 में 2 से गुना किया तो 12 दुना के कितना होगा 24, 24 में हमने 3 जोड़ दिया तो 27 हो गया, 27 में 2 से गुना किया, ठीक है, उसके बाद कितना 54 आया, 54 में हमने 4 जोड़ दिया तो 58 आ गया, ठीक है, और 58 में हमने 2 से गुना किया तो 116 आ गया, 116 में हमने 5 जोड़ दिया तो 121 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 121, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। देखिए दोस्तों इनमें से कोई एक संख्या गलत है, इसी को हमें सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं मात्र कुछ ही सेकेंड में। देखिए 2 और 3, देखिए दोस्तों 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। तो क्या किया है इस तरह से, मतलब जो स्टेप इसमें फॉलो करेंगे वो स्टेप सब में फॉलो करते चले जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 2 में 1 से गुना किया और 1 जोड़ दिया तो हमारी संख्या 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 में हम 2 से गुना करेंगे, किससे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और हम उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया,
जो संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या को हम जोड़ भी देंगे, तो हमारी संख्या अगली वाली प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, दो में एक से गुणा किया तो एक जोड़ा, तीन हो गया। तीन में हमने क्या किया, दो से गुणा किया और दो जोड़ दिया तो हमारा आठ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आठ में तीन से गुना करेंगे, किससे, तीन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ तरीके चौबीस हो जाएगा, और चौबीस में कितना जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सत्ताईस हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, अट्ठाईस दिया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, सत्ताईस, तो यही हमारा गलत संख्या है अट्ठाईस, यहाँ पर होना चाहिए सत्ताईस। देखिए दोस्तों अब पूरा स्टेप हम फॉलो कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, सत्ताईस में हम किससे गुणा करेंगे, चार से। देखिए किससे करेंगे, चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों अगर हम चार से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 108 आएगा ना। अब 108 में हम चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। देखिए दोस्तों यहाँ पर 112 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 112 में हम कितने से गुणा करेंगे, पाँच से गुणा करेंगे। ठीक है, पाँच से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, और 560 में हम पाँच से गुणा करेंगे, सॉरी पाँच जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 565। कितना हो जाएगा, 565। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 565। ठीक है, तो हमारी गलत संख्या क्या थी, 28। देखिए क्या किए, पहले दो में एक से गुणा किया और एक जोड़ दिया तो तीन आ गया, तीन में दो से गुणा किया और दो जोड़ दिया तो आठ हो गया, आठ में हमने तीन से गुणा किया और तीन जोड़ दिया तो 27 हो गया। ठीक है, और 27, ठीक है, फिर 27 में चार से गुणा किया और चार जोड़ दिया तो 112 आ गया, और 112 में हमने पाँच से गुणा किया तो 560 आया, और उसमें पाँच जोड़ दिया तो 565 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा 28। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, चार और ग्यारह, देखिए चार काम कुछ ऐसा करें कि ग्यारह आ जाए, ग्यारह कुछ ऐसा करें कि बयालीस आ जाए, बयालीस का कुछ ऐसा करें कि 207 आ जाए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, चार में किस, देखिए हम चार में किसे तीन से गुना कर देते हैं, तीन से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, चार यानी कि 12 हो जाएगा। 12 में से माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखिए चार में तीन से गुना किए और माइनस वन कर दिया तो 11 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 में हम चार से गुना करेंगे, किससे, चार से, चार से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आएगा ना, और 44 में से हम कितना माइनस करेंगे, दो माइनस करेंगे। ठीक है, पहले में एक फिर दो तो आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, देखिए हमने 11 में चार से गुना किया और माइनस दो कर दिया तो हमारी संख्या 42 आ गई। ठीक है, अब 42 में किससे गुना करेंगे, देखिए वो हम पाँच से गुना करेंगे, पाँच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पाँच से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। कितना आएगा, 210, और 210 में से हम माइनस तीन करेंगे। ठीक है, माइनस तीन करेंगे कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारी अगली संख्या 207 आ गई। देखिए पहले क्या किया, तीन से गुना किया, फिर चार से, फिर पाँच से, और पहले में एक माइनस किया, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, अब इसमें क्या माइनस करेंगे, चार माइनस करेंगे। ठीक है, अब किससे गुणा करेंगे, छः से गुणा करेंगे, अगर हम छः से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1242। ठीक है, और कितना माइनस करेंगे, चार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1238। कितना आएगा, 1238, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 1238 भरा जाएगा। क्यों, देखिए अगर 207 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1242 आएगा, और माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1238 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, तीन से गुणा किया, चार में तीन से गुणा किया और माइनस एक कर दिया तो 11 आ गया, 11 में चार से गुणा किया और माइनस दो किया तो 42 आ गया, और 42 में किससे, 42 में हमने पाँच से गुणा किया। ठीक है, 42 में हमने पाँच से गुणा किया और माइनस तीन कर दिया तो हमारा 207 आ गया, 207 में हमने छः से गुना किया और चार माइनस कर दिया तो 1238 आ गया। यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए और हम लेके आ सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।